रक्षाबंधन के दिन मुंबई की रफ्तार पर ब्रेक लग गई है। मुंबई की दूसरी लाइफलाइन माने जाने वाली बेस्ट बसों के लिए कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। इसी वजह से मायानगरी की सड़कों पर 3600 बसें नहीं उतर पाई हैं। साथ ही बेस्ट बस के कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। मुंबई में बेस्ट के करीब 36,000 कर्मचारी अपनी मांग पूरी न होने की वजह से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हैं। बेस्ट के कर्मचारियों की मुख्य दो मांगे हैं। कर्मचारी चाहते हैं कि बेस्ट को बीएमसी पूरी तरह से अंडरटेक कर ले और 3 महीने की बकाया सैलरी दी जाए। इसके अलावा यूनियन चाहती है कि प्राइवेट बसों को किराए पर लेने पर रोक लगाई जाए। उनका आरोप है कि पिछली मीटिंग में बेस्ट के कमिश्नर ने आश्वासन दिया था कि हर महीने की 10 तारीख को उन्हें सैलरी मिल जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आपको बता दें कि हड़ताल पर जाने से पहले बेस्ट यूनियन के अध्यक्ष की मेयर, बीएमसी कमिश्नर और उद्धव ठाकरे के साथ बैठक हुई थी। इसी दौरान बेस्ट कर्मचारियों को समझाने की कोशिश भी की गई, लेकिन यह बेनतीजा रही, जिसके बाद बेस्ट कर्मचारियों ने हड़ताल पर जाने का फैसला लिया। गौरतलब है कि बेस्ट परिवहन विभाग पिछले कई सालों से घाटे में चल रहा है। इसी वजह से कर्मचारियों को समय पर वेतन नहीं दिया जा रहा है। बेस्ट को बचाने के लिए परिवहन विभाग की ओर से 1,000 करोड़ रुपए की सहायता राशि देने की मांग की गई थी। साथ ही बेस्ट को घाटे से उबारने के लिए बेस्ट और बीएमसी बजट एक साथ पेश किए जाने की मांग लंबे समय से की जा रही है। डीवी लाइव की रिपोर्ट।